हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समर रिफ्रेशिंग टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक छाछ मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, गर्मी की हीट को बीट करने के लिए छाछ एक बेस्ट ऑप्शन है। इस मसाले के साथ अगर आप छाछ या लस्सी बनाएंगे तो एक की जगह दो ग्लास पी जाएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे छाछ मसाला के इन्ग्रीडियंट हैं: एक छोटी कटोरी कच्चा जीरा, एक कटोरी काला नमक, नमक और जीरे का रेशो बराबर का रखना है इसमें, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून अजवाइन, हैंडफुल ऑफ फ्रेश मिंट लीफ, 1/2 टेबलस्पून हींग, 5 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का। सबसे पहले हम अपने पैन को हीट अप होने के लिए रख देंगे। हमारा पैन हीट अप हो गया है। इसके बाद हम अपने जीरे को इसमें रोस्ट करेंगे और इसकी हीट को स्लो कर देंगे। हमारे जीरे में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, जीरा भुन गया है। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी और लौंग डाल करके इसको रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस छाछ मसाले में मैं दालचीनी और लौंग का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि कई लोगों को जैसे दही से एलर्जी होती है, उन्हें दही खाने से कफ और कोल्ड हो जाता है। अगर वो इस तरह से दालचीनी और लौंग ऐड करके मसाला बनाएंगे तो उन्हें दही से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो छाछ को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सारे मसालों के रोस्ट होने के बाद हम इसमें अपना काला नमक भी 1 मिनट डाल के रोस्ट करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है और इसके बाद अपनी गैस को ऑफ कर देना है। ये सारे चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, अभी इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे ड्राई रोस्ट हुए हुए मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह से देखिए फाइन पाउडर बन गया है।